आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स में एक नए टॉपिक के बारे में। नया टॉपिक हमारा रहेगा इंटरफेरेंस। सो इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या होता है, हिंदी में हम इसको व्यतिकरण कहते हैं। ओके, ये व्यतिकरण क्या होता है, ये ध्वनि तरंग का भी हो सकता है और जो प्रकाशीय तरंग है उनका भी हो सकता है, यानी कि जो साउंड वेव्स हैं उनका भी हो सकता है और जो लाइट वेव्स है उनका भी हो सकता है। सो हम बेसिकली ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लाइट वेव्स को यहाँ पे थोड़ा हमारा बेस को कंसिडर करेंगे और लाइट वेव की अलोंग हम यहाँ पे बात करेंगे। तो मैं बात करता हूं कि इंटरफेरेंस व्यतिकरण क्या होता है। तो इंटरफेरेंस इज अ फिनोमेन दैट अक्रोस व्हेन टू वेव्स मीट व्हाइल ट्रेवलिंग अलोंग द सेम मीडियम। ओके, कुछ कंडीशंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट एक बार यहां से हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। सो डेफिनेशन कुछ इस टाइप से है कि इंटरफेरेंस इज अ फिनोमेनन दैट अक्रोस व्हेन टू वेव्स मीट व्हाइल ट्रेवलिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन एंड सेम मीडियम फ्रॉम द रिजल्टेंट वेव ऑफ द ग्रेटर लोअर और द सेम एम्पलीट्यूड। ये कह रहा है कि एक फिनोमेनन है जिसमें दो तरंगे होती है, वो ध्वनि तरंगे या फिर प्रकाश तरंगे हो सकते हैं, हम यहाँ पे प्रकाश तरंगों को भी मानते हैं तो क्योंकि हम ऑप्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रकाश तरंगों की अगर हम बात करते हैं तो वे अगर दोनों प्रकाश तरंगे किसी कोहेरेंट जो सोर्स होता है वहां से निकली हुई, इनके बारे में हम बात करेंगे आगे क्या होता है कोहेरेंट, तो वे जब मीडियम में ट्रेवल कर लिए अलोंग द सेम मीडियम, वो सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है और उसके बाद में वो मीडियम के किसी एक पॉइंट पे सुपर इम्पोजिशन होती है तो वहां पे एक रिजल्टेंट वेव का निर्माण होता है। वो रिजल्टेंट वेव या तो बड़ी हो सकती है नहीं ग्रेटर हो सकती है या फिर उससे छोटी भी हो सकती है या फिर उसी के सेम एम्पलीट्यूड की हो सकती है। सो हम बात करते हैं कि ये इंटरफेरेंस बेसिकली डेफिनेशन तो हमने पढ़ी बट ये है क्या, ये एक प्रकाशित घटना होती है। ओके, अब ये प्रकाशित घटना कैसी घटना है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ये प्रकाशित घटना एक हम कह सकते हैं ऑप्टिक्स यहाँ पे जो हम यूज करते हैं उसमें हम एक प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, उस प्रैक्टिकल में एक घटना होती है उसको हम बात करेंगे हम यहाँ पे कि इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन कुछ चार पांच टाइप के होते हैं जिसमें से एक टाइप ये है। ठीक है, जैसे हम विवर्तन की भी बात करते हैं और ये आता है यहाँ पे इंटरफेरेंस हम पढ़ रहे हैं व्यतिकरण, तो दिस इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ द सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन का मतलब होता है कि कोई भी दो वेव जैसे चल रही है और इन वेव्स को मैं एक के ऊपर अगर एक को रख देता हूँ तो किसी माध्यम के किसी एक पॉइंट पे ये वेव ऐसे चल रही है और दूसरी वेव जो है वो इसको टच कर रही है या फिर कट कर रही है, तो इसको हम कहते हैं सुपर इम्पोजिशन, अध्यारोपण जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इसको हम कहते हैं हिंदी में अध्यारोपण। ओके, तो अध्यारोपण हो जाएगा। और ये अध्यारोपण की जो प्रक्रिया होती है, सुपर इम्पोजिशन की प्रक्रिया होती है ऑफ टू वेव्स विच मस्ट बी सेटिस्फाई सम कंडीशन। ये उन तरंगों के बीच का अध्यारोपण है जो मैं यहाँ पे अभी जो कंडीशन लिख रहा हूं उनको सेटिस्फाई करती है। तो फर्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं, द वेव मस्ट बी कोहेरेंट सोर्स। द वेव मस्ट बी कोहेरेंट सोर्स, वो कोहेरेंट सोर्स से ही निकली होनी चाहिए, कला संबंध सोर्स से निकली हुई होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं द वेव मस्ट बी कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स का मीनिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज का मीनिंग क्या होता है। इसको हम कहते हैं कला संबंध स्रोत। कला संबंध स्रोत का मतलब होता है कि एक ही टाइप के, अगर वहां से अगर बात करते हैं कि कला संबंध, हम कुछ अलग अलग कंडीशन की बात करते हैं, जैसे वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। अब मोनोक्रोमेटिक का मतलब होना चाहिए एक ही वेवलेंथ की होनी चाहिए, उसकी जो है लैम्डा ए की होना चाहिए, एक ही वेवलेंथ होनी चाहिए। देन हम बात करते हैं वहां पे कि वो एक ही डायरेक्शन में जानी चाहिए और उस डायरेक्शन में उसका सुपर इम्पोजिशन होगा। सो ये सारी बातें जो है वो कोहेरेंट सोर्स में आ जाती है, कला संबंध स्रोत में आ जाती है। मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, लैम्डा इक्वल होना चाहिए, उसका एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं लगभग बराबर होना चाहिए। सो ये सारी जो कंडीशंस होती है ये आ जाता है हमारे यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं, जो कोहेरेंट सोर्स पढ़ते हैं उसमें ये सारी कंडीशंस आ जाती हैं। तो इनको हम सभी को एक कह सकता है सम्मिलित रूप से एक
हम कह सकते हैं सबको एक साथ अगर करने की बात करें तो वो आ जाता है कोहेरेंट सोर्स में, यानी कि कला संबंध जो स्रोत होता है, कला संबंध सोर्स जो होता है कोहेरेंट सोर्स, उसमें ये सारी बातें आ जाती है कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए, वहां से एक ही टाइप की लाइट निकलनी चाहिए, जो भी आप बात कर रहे हैं उस लाइट की तो एक ही टाइप का होना चाहिए। तो इस टाइप से हम यहाँ पे देखते हैं कि ये फर्स्ट कंडीशन है इंटरफेरेंस की। सेकंड कंडीशन की मैं बात करता हूं, द वेव मस्ट बी प्रोपोगेट इन द सेम डायरेक्शन, जैसा कि ऊपर कहा ना ट्रेवलिंग अलोंग द सेम मीडियम एंड सेम डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं कि द वेव मस्ट बी प्रोपोगेट इन द सेम डायरेक्शन एंड सेम मीडियम, सेम डायरेक्शन भी होनी चाहिए और सेम मीडियम में भी होनी चाहिए, तभी उसका सुपर इम्पोजिशन होगा और सुपर इम्पोजिशन से ही इंटरफेरेंस का निर्माण होता है, इंटरफेरेंस बनता है। थर्ड कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं, द वेव शुड मीट ऑन द कॉमन पॉइंट ऑफ द मीडियम, वो किसी मीडियम उस मीडियम के कॉमन पॉइंट पे मिलनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं द वेव शुड बी मिलनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, द वेव शुड बी मीट ऑन कॉमन पॉइंट ऑफ द मीडियम, उस मीडियम के कॉमन पॉइंट पे मिलना जरूरी है, मिलना चाहिए, तभी ये हो सकता है। अब एक मैं स्टार लगा के यहाँ पे आपको बताता हूं कि अगर आपको ये जो सुपर इम्पोजिशन हो रहा है, जो इंटरफेरेंस होता है, वहां पे जो फ्रिंजेस बनती है, जैसा कि आपने यंग डबल स्लिट का भी आपने बात किया, वहां पे आपने व्यतिकरण की जो है वहां पे देखा था कि कैसे बनता है। सो उसमें क्या होता था, अगर आपको बेस्ट फ्रिंजेस या फिर बेस्ट व्यतिकरण देखना है फॉर क्वालिटी के हिसाब से, फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ इंटरफेरेंस, सो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव मे बी नियरली सेम, वहां पे आपके एम्पलीट्यूड जो है वो नियरली सेम होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर बेटर क्वालिटी, ये अगर आप नहीं रखते हैं, एम्पलीट्यूड सेम भी नहीं होता तो भी इंटरफेरेंस तो होगा बट क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर बेटर क्वालिटी, आपको अगर बेटर क्वालिटी चाहिए तो बेटर क्वालिटी के लिए आप क्या करें, फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ द इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस के लिए अगर आपको बेटर क्वालिटी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, द एम्पलीट्यूड जो उसका आयाम होता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव शुड बी या फिर मे बी जो है ये इक्वल, नियरली इक्वल होना चाहिए। तो नियरली इक्वल यहाँ पे होना चाहिए या फिर नियरली सेम होना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड की हम बात करते हैं कि दोनों जो तरंगे होती है, जिन दोनों तरंगों का सुपर इम्पोजिशन हो रहा है, उनका नियरली सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, यानी कि एम्पलीट्यूड को हम कहते हैं यहाँ पे आयाम, उनका आयाम जो है वो समान होना चाहिए, समान आयाम की दो तरंगे एक ही माध्यम में जब गति करती हैं, एक दिशा में प्रोपोगेट होती हैं, यानी कि प्रोपोगेट का मतलब होता है गमन करती है, तो उस टाइम पे आपका व्यतिकरण होने की चांसेस रहती है। कॉमन पॉइंट का मतलब हो जाएगा उभयनिष्ठ बिंदु। मैं आपको कुछ टर्म्स जो है वो यहाँ पे बता देता हूँ हिंदी में, जिनसे आप इसको हिंदी में भी अच्छे से समझ पाए। अब हम बात करते हैं इसके कुछ टाइप्स के बारे में। So, इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम कहते हैं हिंदी में संपोषी व्यतिकरण। ओके, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर आपको समझना है तो आप यहां पे देखें कि ये एक वेव है जिसको हम कह रहे हैं एक्स। ओके, और यहां से ये वाई वेव है। अब इन दोनों के एम्पलीट्यूड जो है वो नियरली इक्वल भी हम कह सकते हैं कि इनके एम्पलीट्यूड जो है वो नियरली इक्वल है, और आप देख सकते हैं एक ही फेज में चल रहे हैं, यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये भी यहां से स्टार्ट हो रही है। तो इनसे जो इक्विवेलेंट जो हमारी वेव बन रही है, तरंग बन रही है, वो उसका देख सकते हैं आप, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे ग्रेटर होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड में यहाँ पे देख सकते हैं इसके एम्पलीट्यूड इतना है और इसका एम्पलीट्यूड यहाँ से अगर आप देखें तो ये इतना इसका एम्पलीट्यूड बना है। सो इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ पे आपको चमकीली फ्रिंजेस बनती है, ब्राइट फ्रिंजेस का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या बनती है, जैसा कि आपने यंग का जो स्लिट डबल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें देखा था कि वहां पे आपने पढ़ा था, यहाँ पे ब्राइट जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वहां पे ब्राइट फ्रिंजेस बनती है। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आपके जो
जो सुरंग और गर्त होते हैं, क्रेस्ट, और जो इसका आप बात करते हैं ट्रफ की, तो क्रस्ट और ट्रफ जो होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं एक ही डायरेक्शन में। अगर हम बात करते हैं कि क्रस्ट से ट्रफ मिल जाए और ट्रफ से क्रस्ट मिल जाए, तो उस टाइम पे जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो इसका सेकेंड टाइप जो होता है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव का क्या मतलब होता है, जो कि तोड़ने का काम करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, जिसको हम कहते हैं विनाशी। तो विनाशी व्यतिकरण जो होता है, संपोषी एंड जो होता है विनाशी, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वो इंटरफेरेंस जो है, हम यहाँ पे बात करते हैं उस इंटरफेरेंस की, तो वो होता है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है वो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे होता है। अब ये एक ही फेज में, ये इस फेज में है और ये इस फेज में, उल्टी उल्ट ना अपोजिट डायरेक्शन में, इसके फेज डिफरेंस जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये जो है पाई फेज डिफरेंस इसमें आ रहा है, पाई फेज डिफरेंस हो रहा है, तो क्या मिल रहा है हमको, एक तरंग ही यहाँ पे मिल ही नहीं रहे, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर विनाशी व्यतिकरण। सो इस टाइप से हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसका जो वेव, जो यहाँ पे देखते हैं कि वेव का किस टाइप से इंटरफेरेंस होता है, और उसके दो टाइप्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये हैं इसके दो टाइप, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा कोहेरेंट सोर्स के बारे में, कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। तो कोहेरेंट सोर्स कभी भी दो सोर्स नहीं होगी। जैसे मैं बात करता हूँ कि हमने यहाँ पे एक S1 लिया है और एक यहाँ पे S2 लिया है, तो इनसे निकलने वाली तरंग और इनसे निकलने वाली तरंग कभी भी मीडियम के एक पॉइंट पे इंटरफेरेंस नहीं करेगी, इस पी पॉइंट पे इंटरफेरेंस करेगी नहीं। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये कला संबंध नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसा कि आपने यंग डबल स्लिट प्रयोग में भी देखा होगा, एक्सपेरिमेंट में, हम एक ही सोर्स को इस दो टाइप में कन्वर्ट करके फिर हम इसका मोनोक्रोमेटिक सोर्स बनाते हैं। और उस मोनोक्रोमेटिक सोर्स में क्या होता है कि हम एक तो इसके दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है हम वहां पे अगर वेव फ्रंट्स जो हैं, तरंगाग्र है, उनका विभाजन करें, और दूसरा होता है कि एम्पलीट्यूड का विभाजन करें। तो कोहेरेंट सोर्स बनने के दो विधियां होती है, जिसमें हम कहते हैं डिवीजन ऑफ, इसको हम लिखते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स। जो तरंगाग्र होते हैं वेव फ्रंट्स, उनको उनका अगर हम बात करते हैं विभाजन से, तो इसको हम कहते हैं तरंगाग्र के विभाजन से। तो तरंगाग्र के विभाजन से भी हम कला संबंध स्रोत को बना सकते हैं, कोहेरेंट सोर्स को बना सकते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करता हूं कि डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का डिवीजन करके भी हम ये काम कर सकते हैं, यानी कि आयाम के विभाजन से, आयाम के विभाजन से भी हम यहाँ पे जो कोहेरेंट सोर्स है, कला संबंध स्रोत जो है, कला संबंध स्रोत जो है, उनका निर्माण कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे इंटरफेरेंस एंड कोहेरेंट सोर्स के बारे में बात की, डिस्कस किया, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें।